Hey guys, welcome back to the channel. क्या है कि यार NCR में अब जो है ना गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो टेम्परेचर भी यहाँ अप्रोक्सीमेटली 35 से 38 के आसपास जाता है. तो वीकेंड था मेरा और मैंने भी सोचा कि कहीं पहाड़ों में घूम के आते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ पहले भी. तो अभी क्या था कि यार हिमाचल में जाने का प्लान था, तो मैं सोच रहा था कि या तो हम लोग मनाली चले जाएँ या फिर मतलब दो तीन ऑप्शन है हिमाचल में. तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम लोग चैल जाएंगे, और क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है, और दिल्ली से जो चैल की जो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है वो 380 किलोमीटर के आसपास पड़ती है. तो अभी क्या है कि 12 बज रहे हैं और अगर आप डिस्टेंस अगर देखोगे यहाँ पे तो डिस्टेंस आ रहा है 359 किलोमीटर, जिसमें कि मैंने अभी 18 किलोमीटर कवर कर लिया है. और जो टाइमिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6 घंटे 41 मिनट हमें लग जाएंगे अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं. बट ऐसा होगा कि नॉन स्टॉप तो चला नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी करना पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि 7.5 घंटे कम से कम लगेंगे, और हो सकता है उससे ऊपर भी लग जाएं. तो अभी जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ ये है ईस्टर्न पेरिफेरल. तो मैंने क्या किया है कि मैं गाजियाबाद से इस रोड पे कनेक्ट किया है. अब ये मुझे आगे जाके मूर्थल पे उतारेगा, और फिर हम लोग जो अपना NH44 है उस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे चंडीगढ़ की तरफ. चंडीगढ़ क्रॉस करेंगे, देन फिर ये चैल की तरफ हम लोग जाएंगे, मतलब जो हिमाचल वाला जो कट है उसकी तरफ हम लोग मुड़ जाएंगे. तो भाई अभी कुछ ऐसा प्लान है. तो आप देख सकते हो सामने जो है ईस्टर्न पेरिफेरल का ये टोल प्लाजा आ गया है. ये पता है मतलब लोग जो लोग गाजियाबाद से आते हैं ना उनके लिए काफ़ी बहुत सही है, क्योंकि उनका ना दिल्ली का जो ट्रैफिक है पूरा मतलब बाईपास हो जाता है इस ईस्टर्न पेरिफेरल के थ्रू. तो ये काफ़ी सही चीज़ है. तो गाइस फाइनली जो है जो अपना ईस्टर्न पेरिफेरल था हम उससे उतर गए हैं, और अब जो चंडीगढ़ वाला जो रोड है ना जो मूर्थल होके जाता है उस पे हम लोग चल रहे हैं. ये अपना रोड है, और आगे जाके 10 से 12 किलोमीटर के आसपास ना मूर्थल पड़ता है, जहाँ पर मोस्टली ये ढाबे वगैरह हैं, मोस्टली लोग खाने वगैरह के लिए भी वहाँ पे रुकते हैं. तो भाई अपने पास अगर इतना टाइम नहीं है तो हम लोग तो नहीं रुकेंगे वहाँ पर. पहले आज से 4-5 साल पहले इस रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि अभी ये आप देख रहे हो पूरा सब नया बना है. तो इस रोड पर ना बेसिकली क्या है कि लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है, कि जैसे अगर किसी को हिमाचल जाना है तो इसी रोड से जाएगा वो चंडीगढ़ होते हुए, और अगर किसी को लेट से जम्मू जाना है या वैष्णो देवी जाना है तो वो भी इसी रास्ते से ही जाते हैं. तो ये हाईवे ऐसा है, और आप देख भी रहे हो भाई देखो कितनी गाड़ी चल रही है. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मतलब स्पीड उतनी मेंटेन नहीं हो पाती है, बट हाँ ये है कि लोग सेफ चलाते हैं और रोड की कंडीशन काफ़ी बढ़िया है. बट हैवी ट्रैफिक की वजह से जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड रहती है, ज़्यादा मतलब 60-70 के आसपास इतनी चल पाती है, उससे ऊपर चलाना सेफ भी नहीं है क्योंकि ट्रैफिक है इस रोड पे. तो अभी ऐसा है कि अभी तो भाई देखो यहाँ पर गर्मी है, अभी तो खैर बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, गाड़ी के अंदर एसी चला हुआ है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम लोग चंडीगढ़ क्रॉस करेंगे तब शायद एसी बंद करना पड़े, माइट भी वहाँ पर जो टेम्परेचर है थोड़ा सा सही मिले हमें, और चैल में तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी. सो गाइस अभी जो है मूर्थल क्रॉस हो गया है, और अभी हम लोग पानीपत की तरफ चल रहे हैं, और आप देख सकते हो भाई वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया है. अभी थोड़ा सा ना बारिश का मौसम सा हो गया, आप देख रहे हो बादल पूरे, तो जो धूप थी वो भी चली गई है, और थोड़ा सा सही लग रहा है यार. मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और गर्मी भी हो रही थी, अब थोड़ा सा गाड़ी के अंदर थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है एसी चला के. तो अभी का जो अगर गाड़ी का परफॉर्मेंस की हम बात करें तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली चल रही हैं 83 किलोमीटर्स, और जो अपनी गाड़ी ने अभी माइलेज दिखा रही है MID में वो दिखा रही है 15.6, तो काफ़ी सही आ रहा है अभी तो. बट आगे देखते हैं कि कितना मतलब ये माइलेज देती है. और डिस्टेंस की अगर बात करें तो भाई डिस्टेंस रह गया है 293 किलोमीटर्स, और जो टाइमिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5 घंटे 46 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे अगर नॉन स्टॉप चलते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है. तो वही मोटा मोटा जो है लाइक 6.5 घंटे के आसपास अभी भी लग जाएंगे.
गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये फॉर्च्यूनर पे ना पता नहीं क्या लग के जा रहा है, कोई गाड़ी है फॉर्च्यूनर और पता नहीं क्या है भाई ये, अगर आप कुछ पता हो तो बताना जरा। मैंने खैर फर्स्ट टाइम देखा है मतलब इस तरह किसी भी गाड़ी पे लगा हुआ, पता नहीं ये मीडिया की गाड़ी थी या किसकी थी लेकिन कुछ तो था, बट मीडिया की गाड़ी होने के बावजूद भाई फॉर्च्यूनर पे लगाया हुआ है तो थोड़ा सा काफ़ी ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। अभी ना आप ये देख रहे हो सामने जो XUV 700 जा रही है, एक बात तो है खैर यार गाड़ी मतलब कैसा, जैसे मैंने देखा है कि कुछ थोड़ी बहुत कमी बताई है इस गाड़ी में लेकिन ओवरऑल लुक के मामले में काफ़ी बढ़िया लगती है। आप देख रहे हो दो XUV 700 चल रही हैं साथ में तो लुक के मामले में काफ़ी बढ़िया है, मतलब पीछे से भी गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लगती है ये। गाइस हम लोग जो है पंजाब में एंटर कर चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पहचान, ये आप देखोगे ये कुछ सरदार हैं और कुछ ना इनकी कोई यात्रा वगैरह निकल रही है, तो इस सब चीज़ से पता लग जाता है कि हाँ भाई हम लोग पंजाब में हैं। और देखो वो ना आगे जाके जो है फूल मतलब वैसे देखो कैसे कर रहे हैं भाई, मतलब सब लोगों की श्रद्धा होती है यार, मतलब ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, तो ये सब चीज़ आपको पंजाब में देखने के लिए मिलेंगी। तो गाइस ऐसा है अब हम लोग हैं तो खैर पंजाब में ही, बस पंजाब के आउटर आप मान सकते हो, और आप सामने देखोगे तो सामने आपको पहाड़ दिख गए होंगे ठीक है। तो अभी क्या था कि मैं यार थोड़ा सा ना रास्ता थोड़ा सा इधर उधर हो गया था तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया, अभी हम पंजाब में ही हैं और सेक्टर 12 समथिंग कुछ ही चल रहा है, लेकिन ये जो हाईवे है ये शिमला हाईवे है, कालका शिमला हाईवे है और इसी रास्ते से हमको चैल जाना है। और क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि एक ना जो अम्बाला का एक गेट आता है जिसमें कुछ धनुष टाइप बना हुआ है, वहीं से ना दो रास्ते निकल जाते हैं, एक आपका हिमाचल के लिए और एक निकल जाता जम्मू के लिए, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो वाला गेट पड़ेगा, लेकिन यार वो पता नहीं मैं तो मैप के अकॉर्डिंग आ रहा था लेकिन वो रास्ता मुझे मतलब वो गेट नहीं आया, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, मैंने कहा यार ये वही रास्ता है जिससे मुझे जाना है या कोई दूसरा रास्ता है, मैप के अकॉर्डिंग ठीक आ रहा था लेकिन वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी। अब जो है जो मेन जो हाईवे है कालका शिमला हाईवे उस पर हम लोग आ गए हैं और सामने आपको दिख गए होंगे भाई ये पहाड़ दिख रहे हैं, तो अब यहाँ से थोड़े से जो व्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े से नज़ारे अब यहाँ से थोड़े से अलग मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो गाइज़ ये चल रहा है अपना शिमला कालका हाईवे और भाई बहुत बढ़िया मतलब बना हुआ है अभी तक तो खैर, और आगे आप देख सकते हो पूरे माउंटेन्स हैं ये, और आगे हम जैसे जैसे जाएंगे तो उतने पास आते रहेंगे हमारे ये, तो और वेदर भी चेंज होगा, अभी क्या है कि इसी हाईवे का ये पहला टोल पड़ने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो टोल प्लाजा भी आ गया है, तो यहाँ देखता हूँ कि कितने चार्जेस कटते हैं टोल के। तो गाइस आप देख सकते हो अब ये जो शिमला का जो हाईवे है ना भाई वो स्टार्ट हो गया है, अब यहाँ पर पूरी वो पहाड़ों वाली फीलिंग है, पूरे आपको टर्न्स मिलेंगे। चीज़ जो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे ना मतलब जो रोड है वो वन वे नहीं है, मतलब इस तरफ बिल्कुल सेपरेट आप चल रहे हो और उस तरफ से आने वाले सेपरेट चल रहे हैं, ये खैर काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट हाँ अगर ओवरऑल आप चढ़ाई की बात करोगे टर्न्स की बात करोगे तो वो यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, और अभी भी अगर आप देखोगे चैल की जो डिस्टेंस है वो 84 किलोमीटर्स बची हुई है अभी भी, तो ये है मतलब अभी आप देख सकते हो भाई चारों तरफ मतलब पहाड़ी पहाड़ है और बीच में जो है इस तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो काफ़ी बढ़िया फीलिंग है यार। तो गाइस आप देख सकते हो भाई सामने आ गया है हिमाचल का गेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलकम टू हिमाचल, ऐसे यहाँ मेंशन होगा, और देख सकते हो आप भाई हाँ ये है वेलकम टू हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, तो यहाँ से एग्जैक्टली जो है हिमाचल स्टार्ट हो जाता है, और ये पूरा जो रास्ता है ये आप देख सकते हो पूरा व्यू भाई, ये पूरा है आपका अब हिमाचल प्रदेश। अभी आपको पता है कि लास्ट टाइम मैं चोपटा गया था राइट, तो वहाँ पे तो भाई बहुत एडवेंचर्स रोड थे और वहाँ पे गाड़ी ड्राइव करी थी, यहाँ पे ये ठीक है मतलब बट वहाँ थोड़ा सा क्योंकि उत्तराखंड में गया था वहाँ पे तो ज़्यादा था टर्न्स थे और बहुत छोटे छोटे रोड, यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई अब जो टर्न स्टार्ट हो गए हैं, और देखो वो जैसे होता है ना जब भी आप पहाड़ों पर जाते हो तो आपको इस तरह के छोटे छोटे गांव देखने के लिए मिलते हैं, आप देख रहे होंगे सामने ये कुछ गांव टाइप हैं, मतलब पहाड़ों पे नॉर्मली क्या होता है कि यार इस तरह ही जो
जो जो लोग हैं अपने घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी लैंड तो होती नहीं है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी अप्रोक्सीमेटली जब जैसे हमने हिमाचल में एंट्री करी है, तो हमारी जो गाड़ी चली है वो 310 किलोमीटर के आसपास चली है। तो ये मान सकते हो कि गाज़ियाबाद से अगर जो हिमाचल की अगर आप एंट्री की बात करते हो ना, तो 300 किलोमीटर तो आपको यूपी, हरियाणा और पंजाब में ही चलना पड़ेगा, उसके बाद आप हिमाचल में एंट्री करोगे। तो गाइज़ आपने अक्सर पहाड़ों पे देखा होगा कि जैसे हम लोग मतलब पहाड़ों में जब हम चलते हैं रास्ते में, तो ऐसे टर्न्स होते हैं, कभी आप लेफ्ट कभी राइट राइट। तो अक्सर क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कि अब यहाँ पर ना बिल्कुल भी धूप नहीं है, और जैसे हम लोग राइट हैंड साइड पे आएंगे तो धूप आ जाएगी। तो ये सब चीज़ रहती है पहाड़ों पर। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब भी कहीं घूमने की बात होती है, जब भी दिल्ली के लोगों की या कहीं और आसपास के लोगों की जब भी कहीं घूमने की बात होती है, तो दो चीज़ें ना सबसे पहले आती हैं नंबर में, वो होती है कि पहला नैनीताल उत्तराखंड में और हिमाचल में शिमला। ये दोनों जो प्लेस है ना, ये सबसे नियरेस्ट माने जाते हैं। जैसे दिल्ली से अगर आप नैनीताल की अगर डिस्टेंस देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 280 किलोमीटर के आसपास बैठता है, और वहीं आप अगर शिमला की बात करते हो, शिमला भी अप्रोक्सीमेटली 360-380 किलोमीटर के आसपास इतना ही बैठता है। तो ये जो दोनों प्लेस हैं, ये सबसे नियरेस्ट माने जाते हैं दिल्ली से, और अक्सर यहाँ पर लोग अपने वीकेंड्स मतलब मनाने आ जाते हैं, क्योंकि दो दिन मतलब लोगों के पास होते हैं, और दिल्ली से उतना कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 6-7 घंटे में आदमी आराम से शिमला या फिर नैनीताल आराम से आ सकता है। तो इस तरह चीज़ें रहती हैं। और आप देख रहे हो भाई, अब सब सामने नज़ारे आप देख रहे हो कि इस तरह की रोड्स अगर आपको पहाड़ों पर मिल जाए ना, तो भाई उससे अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर ना आप इतनी सब चीज़ें उम्मीद नहीं कर सकते गवर्नमेंट से। लेकिन ये बोलते हैं कि जो शिमला का जो रोड है वो काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। भाई जिस टोल की मैं बात कर रहा था, ये टोल है वो टोल प्लाजा, और हम उस तरफ से आए हैं और देख सकते हैं भाई इस तरह के नज़ारे हैं। पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, अभी तो हम धीरे धीरे और ऊपर पहुँच रहे हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, देखो यहाँ पर शायद ये कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, शायद हो सकता है कि थोड़ा सा रोड वगैरह, अगर मुझे लगता है कि रोड थोड़ा नीचे कुछ गिर गया है, मतलब धस गया है नीचे, तो ये कुछ काम कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं उसको। कहीं कहीं जैसे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना ये वन वे हो गया है, तो उसका भी रीज़न ये है कि मुझे लग रहा है कि जो काम चल रहा था ना, वो इसीलिए कि उसको टू वे करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, मतलब जो काम जो कर रहे हैं ना उसी लिए चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस रिसोर्ट में हम जा रहे हैं भाई, वो मैंने काफ़ी रिसर्च करके बहुत रीजनेबल, मतलब ऐसे तो बहुत सारे रिसोर्ट आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस, मतलब अच्छे प्राइजेस का मतलब ये है कि काफ़ी महंगे प्राइजेस में आपको मिलेंगे, लेकिन ये मैंने बहुत ही रीजनेबल प्राइस में एक प्रॉपर्टी मिल गई है, तो वहाँ उससे बात भी हो गई। और ये एक चीज़ थोड़ी सी रही कि हमें वहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं। गाइज़ अभी जो शिमला है वो रह गया है 49 किलोमीटर्स, और जो चैल की जो डिस्टेंस आ रही है वो भी 49 किलोमीटर्स ही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से रास्ता कट जाएगा, मतलब वो शिमला से पहले ही। और आप देख सकते हो भाई रोड पे कितने टर्न्स है, राइट। मैं जो वीडियोस में देखा था, मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा ही ये टू वे रोड है, बट ऐसा नहीं है, अब तो ये वन वे ही है पूरा रोड। लेकिन ठीक है, सोलन भी एक सिटी है यहाँ पे, शिमला से जो पहले पड़ती है,
वो अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर है। तो जहाँ पे आपको छोटे मोटे मार्केट्स मिल जाती हैं, जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो भाई ऐसा है कि टाइम जो हो गया अभी तक 6:30 के आसपास बज गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधेरा नहीं हुआ है, अभी पूरे सूरज भी छिपा नहीं है, अभी तो लाइट है प्रॉपर ना। तो मोस्टली क्या होता है कि ऐसे 6:30 और 7 बजे के आसपास तो पहाड़ों में अंधेरा हो ही जाता है। जब भी आप शिमला या चेरगिरी जाओगे तो ये जो सिटी है ना सोलन, ये पड़ती है, ये काफ़ी बड़ी सिटी है। मतलब हर आउटलेट, चाहे आप खाने पीने की बात करो, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और सारे हैं यहाँ पे। इवन कार्स के जो आउटलेट होते हैं वो, मतलब काफ़ी बढ़िया मार्केट है यहाँ पे। तो और ATMs बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अभी मेरे साथ एक दिक्कत हो गई थी यार, मैं कैश लेके चला नहीं था और मैंने सोचा था कि मैं निकालूंगा, लेकिन मैं भूल गया। फिर आगे जाके जैसे हम लोग हिमाचल में एंट्री हुई थी ना, तब मुझे कोई भी ATM नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि, मैंने कहा यार अब तो शायद ATM मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर एक ATM मिल गया। लेकिन यहाँ बहुत ATM है यार, वो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप कैश लेके नहीं आ रहे तो सोलन में आपको सारे मोस्टली बैंक्स के ATM आपको मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ आएगी नहीं। और अभी जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 37 किलोमीटर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरेज जो स्पीड आ रही है ना यार, वो आपकी 35-40 के बीच में ही आ रही है। और अभी जो डिस्टेंस, जो मतलब टाइमिंग जो बता रहा है कितना हमको टाइम लगेगा, वो बता रहा है 1 घंटा 15 मिनट के आसपास, तो इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। अभी जो टाइम हो गया है, अभी 6:07 बज गए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली वही आप 8 बजे के आसपास हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। तो गाइस ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ना सारे पत्थर वगैरह गिरे हैं, तो ये पूरी जो लाइन है बंद कर दी है, और ये कुछ काम वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो दोनों ट्रैफिक जो है तो एक ही रोड पे मर्ज कर दिए। आप देख रहे हो कि भाई ये बुलडोजर वगैरह खड़े हुए हैं, तो ऊपर से ना पहाड़ वगैरह गिरे हैं या कुछ, मतलब कुछ तो हुआ है यहाँ पे। और इस तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, थोड़ा सा रोड को चौड़ा वगैरह कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो है यहाँ पे अभी। तो भाई अपने सामने गाड़ी जा रही है UP14, UP14 मीन्स होता है कि अपनी गाड़ी का भी नंबर UP14 है और ये भी UP14 है, तो ये गाड़ी भी गाज़ियाबाद की है, तो ये लोग भी शायद घूमने के लिए जा रहे हैं शिमला या फिर चेल या फिर और कहीं इसी रास्ते को होते हुए। तो आप देख सकते हो कि भाई अंधेरा सा हो ही गया है, और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि कहीं कहीं इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ना लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, तो इसी वजह से इन्होंने फॉर सेफ्टी पर्पस इस तरफ ट्रैफिक को डाइवर्जन कर दिया है। अब रोड भी अगर आप एक तरफ का देखो तो काफ़ी चौड़े हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो वो ठीक है। ये इस तरह ना देखो भाई, पत्थर को रोकने के लिए क्या लगाया हुआ है, देख रहे हो, ये थोड़ा सा ना एरिया सेफ नहीं है, मतलब लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं यहाँ पे, इसलिए ये सब किया हुआ है। और आप देखोगे भाई इसी पहाड़ के ऊपर एक रिसोर्ट भी बना हुआ है, शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट ऊपर इसी पहाड़ के ऊपर ही रिसोर्ट बना रखा है। तो गाइस अभी भाई जेल से हम ना 20 से 22 किलोमीटर दूर हैं, और यहाँ तो रोड भाई बहुत नैरो हैं, और अभी आप देख सकते हो कि अंधेरा भी हो गया है। मतलब नैरो का मतलब ऐसा नहीं है कि दो गाड़ी आराम से निकल जाती है, बट हाँ थोड़ी सेफली ड्राइव करना पड़ता है, और जैसे कि आपको पता है कि यार नाइट में तो थोड़ा विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, तो मैं स्टार्टिंग से यही सोच रहा था कि यार हम लोग अगर दिन में पहुँच जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है, बट वो हो नहीं पाया। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं, और ये 20 से 22 किलोमीटर कवर करने में हमें लग जाएंगे, मतलब 40-45 मिनट लग जाएंगे, तो हम लोग अभी तो बस यही है कि
डायरेक्ट अपने जो हमारा स्टे है वही हम लोग जाएंगे भाई। पहाड़ों पर ना ये लोकल जो होते हैं ना गाड़ी वाले, इनको एक मिनट की तसल्ली नहीं होती। अगर मैं भी जो गाड़ी लेके जा रहा हूँ, हॉर्न मारते रहते हैं कि फिर मजबूर होके ना इनको साइड देनी पड़ती है। क्योंकि देखो हम तो क्या कि भाई हम तो पहली बार या मतलब कभी कभी आते हैं रोड पे, अब इनको पूरी प्रैक्टिस है। देख सकते हो भाई यहाँ पर, अब एक तो देखो नाइट भी हो गई है और रास्ते भी भाई कम चौड़े हैं। अब यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा भाई इसमें, और बिल्कुल शार्प टर्न है। और नाइट में तो खैर मैं आपको बताऊं कि छोटे जो टर्न होते हैं ना उन पे भी बहुत मुश्किल होता है चलाना, क्योंकि आपको विजिबिलिटी, ऐसे मैंने बोला कि विजिबिलिटी भाई आपकी ज़ीरो हो जाती है और उतना कुछ पता लगता नहीं, तो ये सब चीज़ रहती है भाई पहाड़ों पर। तो अभी हम लोग जो हमारा जो स्टे है उससे हम लोग 13 या 12 किलोमीटर के आसपास दूर हैं, तो और उसे भी कवर करने में आप ये मान के चलो कि 20 से 25 मिनट हमको लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसा है भाई, मतलब ये बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल ऑफबीट प्लेस है। तो जैसे क्या शिमला में बिल्कुल अच्छे अच्छे रोड बनी हुई हैं, शिमला तक अगर आप जाओगे तो पूरा टू वे है वो, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वन वे है, प्लस उतना रोड भी मतलब ठीक है, मतलब एवरेज है, मतलब इतने खास भी रोड नहीं मिलेंगे, आगे बीच में टूटे भी रोड हैं कहीं, और जैसे शार्प कट वगैरह तो यहाँ पर मिलेंगे ही, वो सब चीज़ तो है। तो ये है कि अगर आपको ना जैसे बिल्कुल शिमला में क्या रहता है, भीड़ भाड़ बहुत है, राइट। लेकिन अगर आपको जैसे भीड़ भाड़ मतलब जगह में नहीं जाना है, थोड़ा सा ओबिट प्लेस, चैल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं कल आपको जो कल का जो सुबह का व्लॉग होगा वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कितना सुंदर दिखता है चैल। और काफ़ी 2-3 हैं यहाँ पे जगह जैसे देखने की, एक है चैल पैलेस है और एक माता रानी का टेम्पल है, उसको बोलते हैं कि बहुत हाइट पे है, एक वो है और एक चीज और है, तो वो हम लोग कल उस चीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस फाइनली वही हम आने वाले हैं, अब 2 किलोमीटर के आसपास चल गया यहाँ से, जो डिस्टेंस बता रहा है जो हमने स्टे बुक किया। और ये जो स्टे मैंने बुक किया है ये वाला, इसका नाम है विलेज लिव इन होटल, विलेज लिव इन रिसोर्ट। और ये चैल जो सिटी है ना उससे 5 से 6 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है, तो आप ये मान सकते हो कि सिटी से बाहर ही है ये, बट काफ़ी सही है। मतलब मैं आपको कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो खैर नाइट है तो कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को, लेकिन कल मैं आपको इस रिसोर्ट के बारे में बताऊँगा और इसके बारे में दिखाऊँगा कि भी आप कैसे यहाँ आ सकते हो, कैसे बुकिंग वगैरह कर सकते हो, कितने में मुझे ये बुकिंग पड़ी है, वो मैं आपको जो हमारा कल वाला जो ब्लॉग होगा जहाँ पे हम चैल के जो चैल की जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको हम देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊँगा। बट अभी तो यही है कि अभी 2 किलोमीटर रह गया है और 2 किलोमीटर में हमें बस 5-7 मिनट लगेंगे, हम बस पहुँच ही गए हैं वहाँ पर, और फिर मैं आपको वहाँ पर पहुँच के दिखाता हूँ चीज़ें। तो गाइस ये जो हम उस वाले रोड से अंदर की तरफ आ गए हैं, यही एक रोड है जो रिसोर्ट की तरफ जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई थोड़ा ऑफ बीट तो है ही, तो यही रास्ता जाता है रिसोर्ट की तरफ। तो अगर हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे तो जो इनका लिव इन रिसोर्ट, लिव इन विलेज रिसोर्ट है ये वो है, और नीचे से इनका एक रिसोर्ट और है, तो वो एक्सट्रीम विलेज करके है, वहाँ नहीं जाना है, हमें चलना है ऊपर की तरफ, तो हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे।
तो गाइज अपना जो रिसोर्ट है भाई इसमें आ गए हैं। ये सामने रिसेप्शन है और उस तरफ ही अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और ये इनके सामने जो है ना ये एग्जीक्यूटिव वाले रूम्स हैं और ये वाला सुपर डिलक्स में आता है। तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया सीटिंग है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको मॉर्निंग दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा यहाँ पे सुबह के टाइम। तो इस तरह का है आगे तक, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और वो सामने इनका वुडन वाला है। ये अपना रूम है, आप देख सकते हैं भाई काफ़ी बढ़िया है, ऊपर पूरा वुडन का काम किया हुआ है। और ये वॉशरूम है, काफ़ी वॉशरूम भी काफ़ी बढ़िया है, तो ठीक लगा मुझे ओवरऑल, बहुत बढ़िया है जिस प्राइस रेंज में ये है। मैं आपको कल बताऊंगा इसका कितना प्राइस मुझे मिला, तो ये ओवरऑल मुझे इसका काफ़ी बढ़िया लगा और मैं आपको कल बताऊंगा इसकी प्राइस कितने प्राइस में मैंने लिया है और आप कैसे डिस्काउंट ले सकते हो। तो जितना मेक माई ट्रिप पर मिल रहा था मैंने उससे ज़्यादा इस पर डिस्काउंट ले लिया है, तो वो मैं आपको कल वाली जो वीडियो होगी कल मैं आपको बताऊंगा। और कल आपको व्यू जो है, जो यहाँ का व्यू है ना, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के व्यूज़ हैं। तो भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो एंड ब्लॉग्स मैं लेके आता रहता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।